हरियाणा में किसानों के लिए मनोहर सरकार ने बड़ी सौगात दी। हरियाणा में किसानों को जोखिम फ्री किया गया। ऐसा करने वाला हरियाणा अब देश का पहला राज्य बन गया। किसानों को अब नहर टूटने या ओवरफ्लो होने पर भी भरपाई करने का प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है। तो किसानों को क्या कुछ सौगात दी गई है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं। किसानों को मनोहर सौगात और हरियाणा में किसानों को जोखिम फ्री बनाया गया। ट्वीट कर खुद बकायदा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसकी बधाई किसानों को दी है। ऐसी पहल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन चुका है। किसानों को जोखिम फ्री बनाया गया है। हरियाणा में फसलों की आगजनी को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल किया गया है, जो अक्सर आपने देखा होगा गर्मियों में खासतौर पर फसलों में आगजनी हो जाती है। अब इसे प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल किया गया है। वहीं अगर नहर टूट जाती है या ओवरफ्लो से फसलों को नुकसान होता है, जो अक्सर आपको बरसात के दिनों में देखने को मिला होगा, उसकी भरपाई भी की जाएगी। हालांकि अभी जो पिछली भरपाई है किसानों की वो हो पाई है या नहीं, ये बात अलग है। भावांतर भरपाई योजना में 579 एकड़ तक की बात की गई और इस साल 25 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता चंडीगढ़ से पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा वर्मा, विधानसभा चुनावों से पहले कैबिनेट बैठकों के जरिए एक के बाद एक मनोहर सौगातें पहले जहां कर्मचारियों और जनता के लिए थी, अब किसानों के लिए भी। बिल्कुल दीक्षिका, बताना चाहूंगी कि कल कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बैठक में विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ बैठक की और जिसमें किसानों के लिए जो है उन्हें जिस तरह से किसी भी तरह की कोई अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है या उनकी फसलों को नुकसान होता है तो ऐसे में उन्हें काफी ज्यादा नुकसान होता है, तो इसी को देखते हुए अब उन्हें जो है मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदा श्रेणी में शामिल किया है और अब नहर टूटने या ओवरफ्लो के कारण जो भी किसानों की फसलों को नुकसान होता है उसकी भरपाई सरकार करेगी। यानी कि पूरी तरह से अगर उनको उनकी जो है कोई भी फसल किसी भी तरह से खराब होती है तो उन्हें जो है मुआवजा सरकार प्रदान करेगी और ऐसा करने वाले जो है साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो इस तरह की फैसिलिटीज जो है किसानों को देने जा रहा है। इसके अलावा भावांतर भरपाई योजना के तहत जो रकबे को कवर करने के लिए कुछ एकड़ जमीन उन्होंने बताई थी तो उसके लिए भी किसानों को पंजीकरण करवाने के लिए 12 लाख की भरपाई जी की जानकारी उन्होंने दी है। वहीं साथ ही साथ साफ तौर पर बताया कि कौन कौन से मतलब कितने किसान हैं, 66,250 जो है किसान हैं जो इसको अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं और उनके लिए जो है 25 करोड़ का बजट भी प्रावधान किया गया है। खासतौर पर बात करें तो किसान हितेशी फैसले जो है मुख्यमंत्री ने कल की बैठक में लिए हैं। जी पूजा, पहले भी आपदाएं जिस प्रकार से आती रही हैं, चाहे बारिश की बात कर ली जाए, भीषण गर्मी की बात कर ली जाए या फिर सर्दी की बात कर ली जाए, जब फसलों को नुकसान होता है, हालांकि सरकार अभी तक उसकी भरपाई नहीं कर पाई है जिसके कारण किसानों में अक्सर रोष देखने को मिल जाता है। क्या लगता है कि अब जो ये वादा किया गया है इसकी भरपाई भी कर पाएगी किसान, इस वादे को भी पूरा कर पाएगी? बिल्कुल दीक्षिका, हमेशा से ही किसानों की ये जो है मांग भी रहती है कि यदि उनकी फसलों का नुकसान हो जाता है तो उसकी गिरदावरी की जाए, लेकिन आज तक सिर्फ ये ऐलान ही हुए हैं, उन पर कोई अमल नहीं किया गया और यदि अमल किया भी जाता है तो इतना रेट जो है किसानों को नहीं दिया जाता जिसकी मांग करते हैं। लेकिन जिस तरह से विधानसभा लोकसभा चुनावों में जीत मिली है उसके बाद एकाएक हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री फैसले ले रहे हैं, जनता के हक के फैसले ले रहे हैं और अब जब किसानों की वो बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लग जरूर रहा है कि वो जरूर इसकी ओर ध्यान देंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में अब जब आज से उनकी जो है यात्रा भी शुरू हो गई है कार्यकर्ताओं के अभिनंदन के लिए, जहाँ वो जन जन के बीच में जाएंगे तो वहां पर किसानों द्वारा ये माना जा सकता है कि उनसे मुलाकात, उनकी समस्याएं भी वो वहां पे सुने, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार इस दिशा में काम जरूर कर रही है कि जहाँ किसानों को कुछ राहत जरूर दे सके। यदि बिल्कुल, और सरकार के ऊपर दबाव भी होगा विधानसभा चुनावों से पहले ये फायदा किसानों तक पहुँचाने का। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। देखना होगा कि इस पूरी सौगात का फायदा किसानों को कितना मिल पाता है और कब तक मिल पाता है, क्योंकि ऐसे ही वादे कहीं पहले भी किए जा चुके हैं लेकिन उनका उतना फायदा किसानों को नहीं मिल पाया जितनी किसानों को उम्मीद थी और जितना सरकार ने सोचा था।